खराब न जाए। बहुत अधिक भागने की आवश्यकता नहीं है। संत कहते हैं रे मन संभल संभल पग धरिए, क्योंकि यहां बहुत अधिक चल के कहीं नहीं जाना है। मैंने कहा ना आपको तो कहीं जाना ही नहीं है, उसको आना है, और उसको आने में कोई देर नहीं है, वो समर्थ है, कभी भी आएगा, कहीं भी आ जाएगा। तुम तो केवल सत्य के मार्ग पर सच्चे होकर चलने के लिए तैयार रहना, चलना नहीं, कहीं नहीं जाना। नानक कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा समीपा, सोए संग समा, पूप माही जो बास बसत है, मुकुर माही जो छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। किसी ने कहा है कि जमाने बीत गए न मिली मंजिल ना चीज, जमाने बीत गए न मिली मंजिल ना चीज, यूं कहने को चल के जाना था बस जिस्म से मुझे रूह तक, इस तन से मन तक ही पहुंचना था, जन्म बीत गए चलते चलते, आज तक उद्देश्य नहीं मिला, आज तक विश्राम नहीं मिला, इसलिए फिर कहकर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, कहीं जाना नहीं। मन की कली है इसको खिलाने का प्रयत्न करना, इससे ऐसी सुवास आए कि कोई संत रूपी माली तुम्हारे निकट आए और तुम्हारे मन का, तुम्हारे हृदय का वो खिला पुष्प ले जाकर अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दे। बहुत कठिन नहीं है, कठिन हमने बनाया है। क्यों? ये मार्ग कुटिल नहीं है, जीव की वृत्ति कुटिल है, चलने वाला कुटिल है। इस प्रकार सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, ऐसे जीव स्वभाव से दुष्ट है, स्वभाव से कुटिल है, इसको ये मार्ग कठिन जान पड़ता है, नहीं तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है। बस पुकारना, पुकारते रहना, और संत कहते हैं कि तब तक पुकारना, तब तक नहीं जब तक पुकार उसके कान तक ना पहुंच जाए, वो कम नहीं सुनता है। तब तक पुकारना जब तक तुम वो नाम पुकारने योग्य ना हो जिसको वो आधा ही सुनकर दौड़ पड़ते हैं, तब तक पुकारना और पुकारते रहना। इसी भाव के साथ आप सबके हृदय प्रेम प्रभु को प्रणाम। कल हमारे ठाकुर जी का जो प्रसंग, जो चर्चा सुनने का मन होगा, मैं प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा, सेवा करने का प्रयास करूंगा। इसी भाव के साथ आप सबके हृदय प्रेम प्रभु को प्रणाम।